अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं, कैसे हैं, सब ठीक हैं। मैं हूं जवाब मुस्तफ़ा और आप मेरे साथ आज आए हैं राशिद सी फूड के माड़ी पर। और यहां पर हमने आगे सारी मालूमात यहां पर ली है कि मच्छी कौन कौन सी इनके पास अवेलेबल है और क्या क्या केजी दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, यहां का पूरा सर्वे किया है। यहां पर आपको सस्ती मच्छी लेनी तो इधर ही पीछे बैक साइड पर बैठे हैं, आप जो मच्छी चाहिए उनसे लें, वो आपको सस्ती देंगे। मिसाल के तौर पर ये अगर मच्छी दे रहे हैं 1600-1700 रुपये केजी दे रहे हैं, तो पीछे से वही मच्छी आपको मिलेगी 700-800-900 रुपये की, वहाँ से लें, बनवाएं, कटवाएं। काटने के 100-150 रुपये लेंगे, वो बना के देगा आपको, फ्राई करनी उसके हिसाब से काट के देगा और ग्रिल करनी उसके हिसाब से काट के देगा। और फिर उसके बाद यहाँ लेकर आ जाएं, यहाँ पर ही आपको बना के देंगे 500 रुपये पर केजी में। जितने किलो का आपका सामान होगा, मच्छी होगी, उस हिसाब से चार्ज करेंगे, आपको बना के देंगे। आइए आपको मैं दिखाता हूँ बाकी सारी जो मैंने यहाँ पर चीज़ें कैप्चर करी हैं, जो जो वीडियो बनाई, जो जो इनके मैंने लोगों के रिव्यू लिए, और मेरे साथ जाकर देखते हैं। चलो आ जाओ। तो जनाब, आज हम लोग आए थे केमाड़ी सी फूड, तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की मच्छी आप ख़रीदें जो आपको समझ आती है, और जो आपको यहाँ पे समझ आए अपनी मर्ज़ी से, जैसे जैसे टाइगर झींगा भी पड़ा हुआ, अपनी मर्ज़ी से इधर मच्छी ख़रीदें, तुलवाएं, और यहीं पर ये लोग काट के भी देते हैं इसको। यहीं पर ये लोग काट के भी देते हैं, पीछे वो बुक बना के देते हैं जब ग्रिल करने के लिए, ग्रिल के हिसाब से भी काट के देंगे और फ्राई के हिसाब से भी काट के देंगे। तो जब भी आप लोग यहाँ आएँ केमाड़ी सी फूड, तो यहाँ से मच्छी लें, कटवाएं, यहाँ पर आपको मिलेगी भी सस्ती। जो उसके बाद आप इसको पीछे, अभी आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर आप मच्छी दें, और आपको पर केजी 500 रुपीज़ या 400 रुपीज़ पर केजी चार्ज करेंगे, आपको फ्राई भी करके देंगे, ग्रिल भी करके देंगे, जैसा आप बोलें, और झींगा की कढ़ाई भी अगर आप बनवाना चाहें वो भी बना के आपको देंगे। तो मैं आपको वहाँ भी लेकर चलता हूँ अभी, पहले मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ जगह कि यहाँ पर आएँ, अपनी मर्ज़ी की मच्छी लेकर जाएँ। यार ये वाली कौन सी फिश है जानू, ये वाली कौन सी है? वाइट सोल है। अच्छा, ये जेन्युइन हीरा, ये वाली, ये क्या केजी? 900 रुपीस केजी है ये। ये भी तो हीरा, ये अलग है हीरा, ये जेन्युइन हीरा, ये वाली है। ये भी हीरा, ये 700 रुपए किलो, ये 700 रुपए किलो है और ये 900 रुपए किलो है। केमाड़ी सी फूड पर आए हम लोग, तो यहाँ पर ये मच्छी के बारे में हमें बता रहे थे कि हीरा ओरिजिनल की जो पहचान है वो क्या है भाई? ओरिजिनल हीरा सर, ये देख लें, ये मछली कहलाती है ओरिजिनल हीरा, ये होती है मार्केट में, फिर मिक्स करके देते हैं, उसमें दुगारी भी आती है, उसमें कनर्चा भी आता है, लाल परी भी आती है, उन सबको हीरे में मर्ज करके मिक्स करके बिकता है, लेकिन जेन्युइन हीरा जो है वो ये होता है जनाब। ये पीली धूम होगी, ठीक है, काले कलर के बिल्कुल कोने पर निशान होंगे और एक हल्का स्पॉट होगा ब्लैक कलर का, तेज स्पॉट वाला जो आता है डुगारी आता है। तो भाई ये केमाड़ी सी फूड पे आपको ओरिजिनल हीरा मच्छी यहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ पर आएँ, ट्राई करें, और इन्होंने पहचान भी बता दी कि असल जो हीरा है उसकी पहचान क्या है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ पर ये इसको प्रॉपर इसकी सफाई करते हैं फिश की, और जैसा आप बोलें फ्राई के हिसाब से कटवानी तो वो भी काट के देंगे, ग्रिल के हिसाब से इसकी आपने बुक बनवानी है तो बीच में दो पीस कराने हैं वो भी ये आपको यहाँ करके देते हैं, जैसा आप चाहें बना के देंगे ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ आने का फ़ायदा ये है, जिस टाइप की आपने फ़िश बनवानी है, कटवानी है, सब यहाँ पर आपको करके देंगे ये लोग, और फ्रेश मच्छी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो भाई अभी हमारे साथ से गुजरे हैं राशिद फूड सी फूड वाले, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉप जो है इन्हीं की है, राशिद सी फूड,
और ये अभी हम लोग गली के अंदर इंटर हो चुके हैं जहाँ पर आपको ये लोग मच्छी फ्राई करके देंगे, ग्रिल करके देंगे, तो जो बोलें आपको यहाँ पे वो तैयार करके देंगे। फ्रेश यहाँ पर भी हैं, लिमिटेड हैं, काट के बना के देते हैं। जैसे कि वहाँ पर अभी ये तैयार हो रही है फिश, ये यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। इसके अलावा कढ़ाई का सेटअप भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे के मनाजिर। ये सारे सी फूड, आगा सी फूड हो गया। इसके अलावा मेन जो यहाँ पे मशहूर है ना, राशिद सी फूड। तो यहाँ पर जो है सैटरडे संडे तो बहुत रश होता है यहाँ पे, वीकेंड पे बहुत रश होता है। जितने भी यहाँ पर आप रेस्टोरेंट देखेंगे ना, हर अलग अलग बंदा बैठा हुआ है, लेकिन वो आपको बना के देंगे फिश जैसी आप चाहेंगे। आप लेकर आ जाएं, ये आपको पका के भी देंगे। अगर आप लेके आते हैं कहीं से बाहर से फिश, कहीं से भी लेकर आते हैं फिश, तो ये लोग आपको यहाँ पर बना के देंगे, फ्राई करके देंगे, सब कुछ करके ये लोग आपको यहाँ पर देंगे। ये देखें राशिद सी फूड, अभी आपको दिखाते हैं कितने हैं आप। ये मेरे को लगता है झींगा कढ़ाई बन रही है यहाँ, झींगा कढ़ाई बन रही है। भाईजान कौन सी कढ़ाई बन रही है? ये प्रॉन कढ़ाई। प्रॉन के बाद कढ़ाई और बारबेक्यू भी आपके पास, ठीक है। ये सामने केकड़े का सूप भाई दे रहे हैं, आओ इनसे पूछते हैं, ज़रा डिटेल लेते हैं क्या सीन। सलाम वालेकुम खान भाई। खान भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? खान भाई क्या दे रहे हैं? ये केकड़े का सूप है, क्रैब सूप। क्रैब सूप आप दे रहे हैं, और ये इसका फ़ायदा क्या है ये तो बताएं ज़रा। सांस के मरीजों के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्या इसका कितने का एक बाउल है? ये 400 रुपए का एक बाउल। 400 रुपए का एक बाउल है इसका। ये क्रैप डाल के देते हैं जी। ये इसका मीट है, दिखाइए। ये इसका क्या है? ये मीट है, ये इसका मीट है भाई, क्रैप मीट ये है। ये खान भाई का सूप का स्टॉल है। किसी दिन हुआ ट्राई करने की हिम्मत हुई तो ट्राई करेंगे, मैं तो पीता नहीं खान भाई अल्लाह। और बाकी चलें, बहुत शुक्रिया खान भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मच्छी कौन कौन सी रखी हुई आपने? हीरा क्या केजी दे रहे हो? 1700 रुपये केजी बना के देते हो। सबसे ज़्यादा कौन सी मछली चलती है वैसे यहाँ पे, लोग क्या पसंद करते हैं? हीरा मुश्का 2 तरह का बारबेक्यू ज़्यादा चलता है यहाँ। भजन हम लोग अभी आए हुए हैं राशिद सी फूड पे, और यहाँ पर आपको सारी वैरायटी मिलेगी, केकड़े का सूप भी मिलेगा, क्रैप सूप, और मीठा मुंह करने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर भी, और आज वैसे नॉर्मल डे है, वरना सैटरडे संडे तो यहाँ पर बहुत रश होता है। चाय का बंदोबस्त भी है भाई। सलाम वालेकुम भाई। भाईजान सूप दे रहे हो, चाय दे रहे हो, कावा दे रहे हो, क्या दे रहे हो? कावा है स्पेशल चाय। और इस पर चाय पियोगे? तो जनाब यहाँ पे चपातियाँ तैयार हो रही हैं। वहाँ भी एक ये तैयार कर रहे हैं, ये भाई भी तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जान ये कितनी चपातियाँ बनाते हैं पूरे दिन में आप, अंदाजन कितनी बनाते हो? अंदाजन कितनी चपाती बनाते हो डेली? ये हाँ 7-8 हज़ार चपातियाँ भाई, ये 7-8 हज़ार चपातियाँ बनाते हैं डेली। सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता, गर्मियों में तो मज़ा नहीं आता चूल्हे के आगे खड़े होने का, लेकिन ये काम है इनका, चपाती पे चपाती तैयार हो रही है, चपाती आओ।
एटके माड़ी। कितने फ्लेवर हैं भाई आपके पास इसके लिमका के? 15 फ्लेवर हैं आपके पास। तो ये स्मॉल कितने भी कितने का है? 120 वाला है, 150 वाला। 120 और 150। तो जनाब लिमका पीने का दिल करे तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये झींगा कढ़ाई है। जी तो भाई आज हम लोगों ने पूरा सर्वे यहाँ का कर चुके हैं, सब घूम लिया, सारी चीज़ें देख ली। और वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, फिर कोई अच्छी जगह जाएंगे, इंशाल्लाह आपको सब व्यूज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।